ये जोनल वेटरनरी हॉस्पिटल हमारा बन रहा है। जोनल वेटरनरी हॉस्पिटल को आज तक हम जो हम इसको फंड्स रिलीज़ कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी को, वो 4,74,974 रुपए जो हैं वो हम उनको दे चुके हैं। जो मेरी इनसे बात हुई है पीडब्ल्यूडी वालों से और जो कंसर्न्ड इसमें जो काम कर रहे हैं, तो इसमें उनको जो हमने देखा है 70% काम हो चुका है इसका, बिल्डिंग का। और फंड्स अभी हमें कुछ आए हैं, इस साल भी हमें कुछ फंड्स इसके लिए आए हैं। मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपया इसके लिए हमें इस साल आया हुआ है। और कोशिश ये है कि हम जल्द ही इसमें और फंड्स, जैसे कि डिमांड है उनकी अराउंड 1 करोड़ रुपया, वो बोल रहे हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया और चाहिए, और 1 करोड़ रुपया अगर इसमें हम उनको दे पाएंगे जल्द ही, तो ये इसका कार्य अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। की हालत आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में होती जा रही है। जंग लग रहा है पूरी बिल्डिंग को, ना ऊपर छत डली है ना कोई खिड़की दरवाजे हैं। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च हो चुका है। जो पूर्व सरकार ने इस बिल्डिंग का शिलान्यास किया था, उसके बाद 2021 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन अब लगभग 1 साल होने को आया तब से इस बिल्डिंग का काम पूरी तरह से बंद है। और इसकी स्थिति देखें, पूरी दीवारों पे पानी पानी नज़र आएगा आपको। भारी बरसात में भी इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से न किए गए। हमारी ये मांग है कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। जब करोड़ों रुपया पब्लिक का इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च हो रहा है, तो इसे तैयार करके जनता के सुपुर्द किया जाए, ताकि सुचारू रूप से लोग अपना यहाँ अपने पशुओं का जो भी है इलाज वगैरह करवा सकें और ये दफ्तर सुचारू रूप से अपना कार्य करें। काम तो जी 7-8 महीने से रुका हुआ है। पहले तो काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा था, लेकिन जब से सरकार चेंज हुई उसके बाद शायद इसका बजट नहीं आ रहा है, और बजट के बिना ये इसका काम जो है आधा अधूरा ही है। इसकी जो छत है वो भी अभी आधी अधूरी है। अगर छत टाइम से नहीं पड़ी तो सारी बिल्डिंग के बेकार हो जाएगी, जितना भी लोहा लगा वो सारा बेकार हो जाएगा और पब्लिक का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। अगर जल्दी जल्दी इसका निर्माण नहीं किया गया तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसा भेजिए और बिल्डिंग का जो है पूरा शिलान्यास करें अच्छे ढंग से।